ब्रदर व्हाट इज दिस, ये क्या है? हमांडिल्ला हमांडिल्ला शामली का पुलिस थाना है भाई। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर। विच इज फेमस प्लेस इन द शामली? हनुमान टीला बिकॉज आई एम यूट्यूबर, आई एम ब्लॉगर, बिकॉज आई कैम इन शामली, आई एम फ्रॉम सहारनपुर, सॉरी सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो शामली घूमने के लिए आया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि शामली से फेमस प्लेस इन शामली इनके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये शामली से है। आपका नाम क्या है? तुषार। तो वही इनका नाम तुषार है और शामली, तो ये शामली की मेरे ख्याल से शुगर मिल है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ का आपको थोड़ा कल्चर दिखाना चाहता हूँ। और शामली आई थिंक ये मुझे लोकेशन बोला, ये मेल रोड है, ये मेल रोड है शामली के। और ये तो अंकल जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपनी पेमेंट के लिए कौन कौन से एक्शन लिया है? गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नहीं वो लोगों में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त हूँ मैं एक गाड़ी में और जा रहा हूँ शामली, ठीक है, मौसी के वहाँ पे जाना है ना, और मेरे ख्याल से आज बीएड हो जाए तो टीका कराने के लिए जा रहा है। और ये भैया है, भैया नाम क्या आपका? क्वेश्चन तो ये नाम आई थिंक प्रताप सिंह भाई, तो यार ये देहरादून से है और इन्होंने मेरे को हिचाइक किया, लिफ्ट दिया यार, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो अब देखते हो ये मेरे को काफ़ी छोड़ दिया, शायद फैशन कुछ छोड़ देंगे, तो चले गए। तो मैं भैया से अपनी थोड़ी वो अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं करते क्या हूँ, वैसे ही मैंने क्या क्या किया है। तो भैया वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं वैसे प्लस टू पास हूँ, इंटर मैंने पास किया है और साइड में अपनी थोड़ी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं BSW करूँ या BA करूँ, बट कुछ ना कुछ करूँगा जरूर। तो मेरे आपके हिसाब से मतलब क्या करना चाहिए, मेरे को अपनी स्टडी रीस्टार्ट करनी चाहिए, मतलब रेडी रखनी? बिल्कुल मतलब, और साइड में पार्ट टाइम ये यूट्यूब वगैरह? थैंक यू भैया, कुछ टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ, और साइड में जैसे कि मेरे फादर नहीं है तो मेरे काम भी करना चाहिए साइड में, वैसे मेरी क्राउड फंडिंग साइडिंग हो जाती है, यू नो क्राउड फंडिंग से जैसे कि मतलब पेटीएम आई डी देते हैं अपने कोई होता है तो उससे मेरी अर्निंग होती है। तो और बताइए भैया अपने बारे में कुछ, आपके बच्चे कितने हैं, मतलब शादी आर यू मैरिड? अच्छे लोग यार, सो गाइस भैया ने मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया है और मैं गाड़ी से उतर चुका हूँ। तो भैया पूछ रहे हैं मेरे से देहरादून की गाड़ी कौन सी जाती है, तो भैया किधर जाना है आपको? देहरादून। यस देहरादून, तो उनको देहरादून जाना है, तो आप भैया इधर से आना, इधर से गाड़ी जाएगी, ये रोड जा रहा है ना देहरादून का ही जा रहा है मेरे ख्याल से, ये रोड तो सीधे चल जाना, आपको सीधा रोड मिलेगा देहरादून का, आगे पता कर लेना, ठीक है भैया? ओके ब्रदर, थैंक यू। भैया से पूछता हूँ, किसी ब्रदर से पूछता हूँ कि शामली की विच इज फेमस प्लेस इन द शामली, तो ये चलते हैं और ब्रदर से पूछते हैं। आई थिंक सर कोई चलते हैं, अगर ये रिक्शे विक्शा के बराबर में पूछूँ, ब्रदर हाउ आर यू, ये यहाँ की शामली की फेमस प्लेस कौन सी है? यहाँ तो विशाल मेगा वाट है, वहाँ पर सारी चीज़ मिले। ओके ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। विशाल मेगा वाट, विशाल मेगा वाट, तो चलेगा विशाल मेगा वाट में देखते हैं और दिखाते हैं आपको। ब्रदर विच इज फेमस प्लेस इन द शामली? हनुमान टीला बिकॉज आई एम यूट्यूबर, आई एम ब्लॉगर, बिकॉज आई कैम इन शामली, आई एम फ्रॉम सहारनपुर, सो गाइज सो मैं शामली से सॉरी सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, तो शामली घूमने के लिए आया था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि शामली से मेरी फेमस प्लेस इन शामली घूमने के लिए आई एम ब्लॉगर। क्या नाम है भाई? ब्रदर व्हाट इज दिस, ये क्या है? हनुमान टीला शामली का पुलिस थाना है भाई। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। सॉरी गाइज आई एम गेटिंग लेट एंड आई हैव टू गो टू इन द होम, बिकॉज उन्होंने मेरे को रास्ता बता दिया था कि यहाँ की फेमस प्लेस ये है वो है, बट फेमस प्लेस तो काफ़ी अच्छा है, वैसे मैं गया भी हूँ वहाँ पे, बट मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट एंड आई हैव टू गो टू इन द होम, बिकॉज मेरे को टिक्का कराना है और फिर नाइट हो रही है, रात हो रही है, तो मैं आपसे शायद कल मिलता हूँ मॉर्निंग में,
और अभी मोहसिन जी की शॉप पे चलते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन रहने वाला है और काफ़ी अच्छा है यार। तो गाइस अभी मैं आपको फेमस प्लेस दिखा नहीं पाऊंगा और मेरे ख्याल से आगे नगर पालिका है। और ब्रदर विच इज फेमस प्लेस इन द शामली? मांडीला एंड नेक्स्ट अश्वनी लस्सी वाला। अश्वनी लस्सी वाला मेरे को बहुत थैंक यू ब्रदर, आपने मेरे को फेमस प्लेस बताया यहाँ का। और मैं वैसे अपनी ऑडियंस को कल्चर दिखाना चाहता हूँ। हाँ जरूर दिखाओ। ओके स्टेशन घूमता स्टेशन। तो गाइस नाइस टू मीट यू ब्रदर। तो गाइस अभी स्टेशन चलते हैं और स्टेशन दिखाता हूँ। आई हैव टू गो टू इन द स्टेशन इन शामली। सो गाइस मैं शामली के स्टेशन जा रहा हूँ, देखता हूँ वहाँ का कैसा कल्चर है। मेरे ख्याल से मैं यार वैसे काफ़ी बार आ चुका हूँ बट आपको दिखाना चाहता हूँ। यू नो आपको तो पता भी होगा शामली का स्टेशन वैसे फेमस है, तो मेरे ख्याल से शामली का फेमस स्टेशन है। तो मैं ब्रदर से पूछता हूँ, आई थिंक इसमें मेरे को बता दे ब्रदर एंड शामली स्टेशन बिजी लोकेशन। थैंक यू ब्रदर। तो गाइस इन्होंने मेरे को लोकेशन बता दी, अब जा रहा हूँ गाइस एंड आई हैव टू गो टू इन द शामली स्टेशन एंड आई एम गेटिंग लेट। सो गाइस अभी पहुँच गया, आई हैव अराइव्ड इन द रेलवे स्टेशन। सो गाइस चलते हैं अभी और रेलवे स्टेशन दिखाते हैं आपको। तो बाय द वे आई थिंक यार वीडियो बना, गाइस दिस इज स्टेशन ऑफ शामली और गाइस आई हैव अराइव्ड इन द शामली स्टेशन। मैं शामली के स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ, लोकेशन सेम है एंड यहाँ से दिल्ली की ट्रेन मिलती है। आप काफ़ी हर जगह ट्रेन मिलती है मेरे ख्याल से दिल्ली, और दिल्ली से आप कहीं भी जा सकते हो, दिल्ली सहारनपुर। और ब्रदर विच इज लोकेशन ऑफ शामली? आई है अराइव इन द मई लोकेशन एंड मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। दिस इज स्टेशन ऑफ शामली एंड यहाँ से है ना काफ़ी ट्रेनें स्टार्ट होती है जैसे कि दिल्ली की और फॉर एग्जांपल एज ए दिल्ली एंड एज ए सहारनपुर। तो गाइस इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इनका ये शामली से है। आपका नाम क्या है? वो श्वनी तुषार। तो गाइस इनका नाम तुषार है और मेरे को मिलकर इनसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है इनसे। वैसे आप करते हो क्या? व्हाट डू यू डू? जी मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ओके एमबीए कर रहा हूं। कांग्रेचुलेशन ब्रदर, यू आर डूइंग एमबीए एंड आई एम डूइंग बीए। एमबीए बट आई एम डूइंग बीए और आफ्टर एमबीए यू विल डू जॉब या एंड बिजनेस? ओके कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोदर। थैंक यू। एंड माई नेम इज आकाश, माई चैनल नेम इज आकाश वर्ल्ड ब्लॉग। ओके ब्रोदर आपसे मिलकर अच्छा लगा मेरे को। वैसे विच इज फेमस ऑफ लोकेशन इन द शामली? हनुमान टिल्ला। एंड नेक्स्ट? राजमहल रिजॉर्ट। राजमहल, ओके राजमहल रिजॉर्ट। वैसे मैं शामली में हनुमान टिल्ले पर गया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छी लोकेशन है और रिजॉर्ट नहीं है बट वैसे ये वेयर इज रिजॉर्ट? केराना रोड। केराना रोड, ओके ब्रदर आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। गाइस तो गाइस ब्रदर मेरे को कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आज के क्वेश्चन। आप कहाँ से हो? ब्रदर आई एम फ्रॉम यूपी एंड माय सिटी इज सहारनपुर। अच्छा आप करते क्या हो वैसे? जैसे ब्रदर आई डिड प्लस टू फ्रॉम पीसीएम एंड आई एम डूइंग, सॉरी आई डोंट नो बट मैं भी बीए कर नहीं रहा हूँ, मतलब बीएसडब्ल्यू में से एनी थिंग कुछ भी कर सकता हूँ, बीएसडब्ल्यू एंड ये बीए आई थिंक दोनों में से कोई भी कोर्स चूज कर सकता हूँ मैं। लाइक नेक्स्ट कोई आपका इंटरेस्ट वीडियो में कब से आया? मेरा इंटरेस्ट वीडियोस में मतलब माई फादर इज हैज बीन एक्सपायर बिकॉज मेरे फादर का सपना था कि मैं यूट्यूब पे कुछ बड़ा करूँ, तो इसलिए मैं वीडियोस में आ गया और यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगा। वैसे मैं मेरा सपना है कि मैं अपना कल्चर दिखाना चाहता हूँ, अपनी लाइफ दिखाना चाहता हूँ कि मैं करता क्या हूँ, मैं कर रहा क्या हूँ, मैं फिलहाल क्या करूँ, मैं फिलहाल। आप अपने सब्सक्राइबर को शामली में क्या दिखाना चाहिए? मेरे ख्याल से शामली में शामली का कल्चर, शामली का फूड, शामली का रेलवे स्टेशन एंड आई थिंक अभी मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, अभी मैंने रेलवे स्टेशन दिखाया है बिकॉज आई एम गेटिंग लेट एंड। अच्छा आप शामली में किस जगह जा रहे हो ब्रदर? आई एम गोइंग टू मई रिलेशन। रिलेशन में किस जगह पे? मई मोशी टीका मार्केट एंड मेरे को शायद क्या बोलते हैं मोहल्ला याद नहीं है। पालिका मार्केट हो? पालिका मार्केट हो सकती है बट आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं है मेरे को कौन सी है। आप अपने सब्सक्राइबर को हनुमान टिल्ला दिखाएं। ओके मैं शायद यहाँ पे मॉर्निंग में था तो आई थिंक मैं हनुमान टिल्ला दिखाऊंगा मॉर्निंग में बट आई एम गेटिंग लेट। आई थिंक यार हनुमान टिल्ला तो फेमस है यहाँ का शामली का, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं आई थिंक काफ़ी बार आ चुका हूँ शामली का हनुमान टिल्ला, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत प्यारा लगता है और आई थिंक वहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल है और वहाँ पे स्विमिंग पूल भी, आपको पता है स्विमिंग पूल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो कुंड होता है, कुंड है, वहाँ स्नान करते हैं, कुंड है वो, पर वो काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ तो बंद पड़ा है। तो शो ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग एमबीए इन लोकेशन? मेरठ। So you are doing MBA from Meerut? जी ब्रदर। Okay ब्रदर you will be successful in your life if you do very hard work. Congratulations ब्रदर आपको। Thank you ब्रदर।
ओके ब्रदर, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू ब्रदर। शामली, तो ये शामली की मेरे ख्याल से शुगर मिल है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ का आपको थोड़ा कल्चर दिखाने चाहता हूँ। और शामली आई थिंक ये उसी लोकेशन ब्रदर, ये मील रोड है, ये मील रोड है शामली के। और ये अंकल जी है, अंकल इमोशन है, नाम क्या आपका? विनोद कुमार। विनोद कुमार, वैसे करते क्या हो आप? मील में रहे। अच्छा, मील में नौकरी करते हो, क्या चाहते हो मील में, क्या क्या होना चाहिए? ऐसा तो बोल क्या, मिलने तनख्वाह आ रही है, तनख्वाह हो रही है, तीन महीने तनख्वाह नहीं आ रही, तीन महीने तनख्वाह नहीं आ रही, लोगों को पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। वैसे मैं तो कुछ कर नहीं सकता, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और जितने मील में गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी मतलब जितनी तनख्वाह, मजदूर भी दुखी है, मजदूर दुखी है और जितने भी वर्कर दुखी है और उनको फुल सपोर्ट करें, उनकी आई थिंक शेयर ली है। शुगर मील है मेरे ख्याल से फेमस है यहाँ पे, शुगर मील फेमस है। मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ इस वीडियो में और इन भैया से और इन जो यहाँ पे वर्कर है, तो अंकल जी आपको यहाँ पे किस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है? जैसे आप गन्ना ज्यादा मतलब पैसे मिल जाते हैं, भर लो, मतलब एक साल तक पैसे नहीं मिलते हैं, तो कई जिस गन्ना डालते हैं और ये शामली की शुगर मील है तो उनकी सैलरी टाइम पे नहीं आ पाती, तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? आप क्या कहना चाहते हो? यही कह रहा हूँ, पेमेंट नहीं आ रही थी, मजदूरों का पैसे नहीं मिल रही, पेमेंट नहीं आ रही। और गाइस प्लीज इनको सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, और ये शामली की वीडियो है और शुगर मील भी मतलब पेमेंट रोक रखी है, अभी तक पेमेंट नहीं आ रही, तीन तीन महीने का पेमेंट रोक रखा है, तो मतलब यही प्रॉब्लम है ना, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हमारी पेमेंट टाइम पे आई है? हां, टाइम पे आनी चाहिए, मतलब सबकी पेमेंट टाइम पे आनी चाहिए। तो अंकल जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अपनी पेमेंट के लिए कौन कौन से एक्शन लिया है, क्या मतलब क्या कहना चाहते हो आप, मतलब कि आपकी पेमेंट कब तक टाइम पे आ जाए? और टाइम पे मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, बाद में करना पड़ता है, हर महीने पेमेंट टाइम पे आनी चाहिए मेरे ख्याल से, हर महीने टाइम पे आनी चाहिए, आनी चाहिए बिल्कुल भी। मजदूरी करता है, मेहनत करता है, किसान लोग मेहनत करते हैं, फार्मर है मेहनत करते हैं, तो यार उनको यार सपोर्ट करे यार, प्लीज उनकी पेमेंट टाइम पे दे। तो गाइस तुषार भैया का मैं चैनल का नाम जानना चाहता हूँ, और ये तुषार ब्रदर है, ब्रदर व्हाट्स योर चैनल नेम? स्टूडेंट गिरी यंग भारत, स्टूडेंट गिरी यंग भारत जी। तो गाइस इनके चैनल का नाम है यंग भारत जी, स्टूडेंट गिरी यंग भारत, ओके स्टूडेंट गिरी यंग भारत, तो गिरी यंग भारत, दादागिरी होता है इस साइड में स्टूडेंट की गिरी। तो गाइस इनको प्लीज आप सब्सक्राइब करें, ये भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनके 700-750 सब्सक्राइब हो गए, आई थिंक मेरे ख्याल से इतनी हो गए, 750 के आसपास सब्सक्राइब हो गए, तो आज आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। इनका नाम तुषार है, ब्रदर को फुल सपोर्ट है, जैसे ब्रदर शामली में आए हैं तो मैं ब्रदर की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि अपना शामली के कल्चर को, यहाँ के लोगों को अच्छे से विजिट कर सके, इनको कोई प्रॉब्लम ना है, और ब्रदर को फुल सपोर्ट मिलेगा। ओके थैंक यू ब्रदर, मेरे को शामली से इतना प्यार मिल रहा है, मेरे को आई थिंक मेरे को शामली से इतना प्यार मिल रहा है, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, वेलकम ब्रदर। सॉरी गाइस बट वहाँ पे मोसा जी नहीं मिले, मोसा जी शॉप पे थे नहीं, दुकान पे थे नहीं वहाँ पे, और मैं घर पे जा रहा हूँ फिलहाल। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलता है इस नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस तुम्हारा भाई ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहेगा, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज भी मेरा फॉलो कर दीजिएगा, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस आपका भाई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है।